8 मंत्री कल संसदीय परंपराओं की गरिमा को तार तार करने के बाद आज बड़े चौड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कुछ सवाल हमारे भी हैं, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना पूछे जाए। ओबीसी जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जब तमाम दो प्रधानमंत्री देश के सदन में मौजूद थे, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं होना चाहिए था? इस सवाल का जवाब पहला। दूसरा, एवरेज टाइम कितना लगाया आपने बिल को पेश और पास करने में? कभी 7 मिनट, कभी 10 मिनट। ये कौन से संसदीय लोकतंत्र की रक्षा हो रही है, उसको महफूज कर रहे हैं? एक बार झांकिए जरूर और लोगों से कहिए कि क्या वजह थी। एक किसी भी बिल को आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजते हैं लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के लिए? किस बात का डर है और किसके दबाव में आप काम कर रहे हैं? इसका भी जवाब जनता को चाहिए, मानस को चाहिए। ऑर्डिनेंस की आप झड़ी लगा देते हैं और बाद में कहते हैं कि इन्हें पास कर, इन्हें विधेयक बनाना होगा। आखिर संसदीय रवायतों का क्यों नुकसान कर रहे हैं, चोट ही कर रहे हैं, उसकी नींव को कमजोर कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने बीते 5 वर्षों में एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या लोकतंत्र की गरिमा इससे पुनर्बहाल ऐसे में हो जाएगी? डेप्टी स्पीकर आप लोकसभा में बना नहीं रहे हैं, क्या वजह है? ये भी लोग जानना चाहते हैं। पूरे विपक्ष को बेरोजगारी, महंगाई, काले किसान कानून की वापसी और पेगासस पर आपने चर्चा नहीं करने दी। ये जन सरोकार के मुद्दे हैं, लोग परेशान और बदहाल हैं, लेकिन संसद की को आपने बेजान इमारत में तब्दील कर दिया, इसका भी जवाब चाहिए। और हां, 8 मंत्री महोदय, संसद चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है सुचारू ढंग से, इसके लिए 52 से लेकर के अब तक के पार्लियामेंट्री डिबेट्स को आपको पढ़ना होगा, उतना वक्त निकालना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। अन्यथा आप डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को संग्रहालय में ले जा रहे हैं, म्यूजियमाइज कर रहे हैं।